आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर 3.14 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लूप में बहने वाली धारा हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी, बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक लूप बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसका व्यास कितना दे रखा है, 1 मीटर। क्या कह सकते हैं, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5, मतलब त्रिज्या जो हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें व्यास दे रखा था और इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर 3.14 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा दोस्तों, 3.14 टेस्ला का। ठीक है, तो बहने वाली धारा इस पे आई है, इसका मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों, जब किसी लूप में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान होता है दोस्तों μ0/2 I/R होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, I निकालना है, तो I बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 BR अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, μ0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज को रख देते हैं तो धारा का मान आ जाएगा, तो 2 × चुंबकीय क्षेत्र कितना है दोस्तों, 3.14 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है और त्रिज्या कितनी है, 0.5 है। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, μ0। μ0 का मान कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁷ × 4π। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है उन्हें देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए 2 और 0.5 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0.5 क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, पाई का मान कितना होता है, 3.14, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कितना मान बच रहा है, यह मान जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना मान हो रहा है दोस्तों, यह 1/4 है दोस्तों, 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.25। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ अगर 10 × कर दें तो आई बराबर हो जाता है दोस्तों 2.5 × 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, इतने एम्पियर की धारा बह रही है इसमें, और ये देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।